से कोई था उस समय वो उन डिस्ट्रिक्ट्स में जब ये बाढ़ आई थी 2016 में। तो खैर उस समय में AIG लॉ एंड ऑर्डर था, तो इसको कोऑर्डिनेट करने का काम ये लॉ एंड ऑर्डर ही करती है। तो विभिन्न एजेंसियों को उसमें कोऑर्डिनेट करना और वहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड फोर्स हैं SDRF NDRF इनको सबको भेजना। इवन उस समय हम लोगों ने आर्मी को भी इंगेज किया था, आर्मी भी थी और पुलिस के उस समय हेलीकॉप्टर्स भी मिले थे, उनका भी उपयोग किया गया था। लेकिन उस जो फ्लड में एक्सपीरियंस रहा उसमें लोकल पुलिस का बड़ा अच्छा काम रहा था। और जब जेलों से मांग की जाती थी कि आपको और क्या संसाधनों की आवश्यकता है, तो उसमें ज्यादातर जो बोट्स और इनके अलावा जो डिमांड होती थी तो वो होती थी SDRF और NDRF। ये बड़े स्पेशलाइज्ड फोर्स हैं, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और नेशनल। तो इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। पुलिस का आप जानते ही हो कि काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है उसमें। जैसे अब बाढ़ आई तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वो पुलिस ही होती है, आप ही लोग सबसे पहले पहुंचते हैं, स्पेशलाइज्ड फोर्स तो बाद में आती है। तो आपको वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वहाँ पे नाविक हैं, उनकी नावें हैं, कौन से अच्छे गोताखोर हैं। तो ये सब चीज़ें लेके और पुलिस सबसे पहले वहाँ पहुँच के और उसको रेस्क्यू करती है। उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप जाएं तो आपके साथ जो भी टीम है उनके पास इक्विपमेंट्स होना चाहिए, लाइक छोटे छोटे से आपके पास रस्सा हो, टॉर्च हो, आपके पास स्विमिंग के लिए जो ट्यूब होते हैं वो हो, उनसे आप रेस्क्यू कर सकते हैं। क्या होता है कि जब भी आप रेस्क्यू के लिए नाव भेजी, बोट्स गई, तो देखा गया कि वहाँ पे लोगों को जल्दी होती है उसमें से निकलने की, तो वहाँ भी पुलिस का रोल आ जाता है कि आप उसमें अगर पुलिस है तो ओवर क्राउडेड नहीं होने देते, अदरवाइज वो ओवर क्राउडेड हो जाएगी तो वो पलट सकती है, तो वहाँ हमारा रोल होता है। एक कोसी 2008 में कोसी में एक बड़ा जबरदस्त बाढ़ आई थी, आप लोगों ने सुना होगा बिहार में। तो वहां तो ये हुआ था कि वो पुलिस लेट थी तो जो बोट थी उनको भी जो मिसक्रियंट्स लोग थे, गूंज थे, उन्होंने वो बोट तक अपने कब्जे में ले ली थी। तो पुलिस का रोल इस तरह से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनको फिर रिलीफ करना, उनको उनके स्थान पर पहुंचाना। फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो हम ही होते हैं, हमको हमारे पास ही अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, हमारे पास हमको ही पता होता है कि इनको कहाँ रिलीफ करके ले जाना है, कैसे इनको रेस्क्यू करना है, कहाँ से इनको मेडिकल हेड दिलाना है, किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है, किस तरह से हमको कंटिजेंसी रूट रखना है जिसमें कि आपको तत्काल सहायता पहुँच सके और बिना बाधा के वहाँ तक आदमी पहुँच सके। एक और मुझे उदाहरण याद आ रहा है 1999 का, ये हालांकि है उड़ीसा का, कटक में एक सुपर साइक्लोन आ गया था। तो वो वहाँ का जो कलेक्ट्रेट था वो भी पूरा घिर गया था और लोग वहाँ फंस गए थे। वहाँ के DM साहब को भी हमारे जवान गए थे जो पुलिस के, और वही निकाल के लाए थे अपने कंधों पे रख के और उनको लेके आए थे। तो ये क्या है कि इन चीज़ों से हमको वाकिफ होना चाहिए। आपका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है क्योंकि आप एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हो, सबसे पहले आप ही लोग पहुंचते हो, एक यूनिफॉर्म फोर्स के रूप में हम पहुंचते हैं, तो लोगों को ये विश्वास होता है कि अब हमें कोई रिलीफ मिलेगी। दूसरा आता है एक भूकंप। मुझे लगता है कि आप लोगों में से शायद ही किसी को उसका अनुभव हो। ये जो अभी लास्ट तो आया था, मुझे याद है उस समय मैं जबलपुर में पोस्टेड था, 1997 में आया था, 21 और 22 मई की रात्रि में आया था ये। हमें याद है कि 21 तारीख को इंडो पाक मैच था, डे एंड नाइट। तो ये जब भी वो मैच वहाँ पे होता है जबलपुर में तो काफ़ी लाइन ऑर्डर की स्थिति होती है, तो फोर्स लगा रहता है। सारा फोर्स लगभग 12-1 बजे करीब फ्री हुआ था और सब लोग घर पहुँचे, 1-1.5 बजे तक खाना वाना खा के फ्री हुए होंगे, और सुबह ही सुबह 4-4:30 बजे वो भूकंप आ गया था। सब लोग जैसे थे, सबको कॉल किया गया, नींद में ही सब लोग उठे। इवन मेरा भी जो घर था वो पूरा ब्रिटिश समय का था, तो वो एक राफ्टर आके मेरे ऊपर भी लाके लगा था। हम लोग सब कंट्रोल रूम पहुंचे तो उस समय ऑलमोस्ट सारे जो बिल्डिंग्स थी वो क्रैक हो गई थी। रिक्टर पैमाने पे लगभग 6.4 उसका जो मेजरमेंट था उससे वो भूकंप आया था।
और हुआ ये था कि गर्मी के दिन थे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए आप जो जो भी कैलामिटीज आती हैं, आपदाएं आती हैं, वो तो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन पुलिस का रोल कई दिनों तक चलता रहता है। तो उसमें हुआ ये कि जितनी भी बिल्डिंग्स थी, मेजर और टंकी थी पानी की बड़ी बड़ी, उनमें सब में क्रैक्स आ गए थे। अब आप सोच सकते हैं कि गर्मी का दिन है और सारी टंकियां फूट गई, पानी की सप्लाई हो नहीं रही थी, तो रोजाना वहां पे चकाजाम की स्थिति बनती थी। मैंने एवरेज जो चकाजाम वहां पे हुआ करते थे वो 20 और 22 चकाजाम डेली होते थे केवल पानी को लेके। एक दिन मैंने गिना था, मैक्सिमम हुए थे 34 चकाजाम एक दिन में, और सारे विश्व की निगाहें वहां पे थी और मीडिया पूरा पहुंच गया था। और ये इंस्ट्रक्शंस थे कि आप किसी भी तरह से कोई भी बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ समझा बुझा के ही उन लोगों को आपको अलग करना है। तो पानी की प्रॉब्लम को लेके वो काफी कुछ होता था। फिर क्या हुआ कि जो बिल्डिंग्स क्रैक हो गए तो उन्होंने कहा अब इनका सब रिलीफ वर्क चलना है, उसके पहले सर्वे होना है। तो सर्वे करने के लिए टीम जाती थी, तो उसमें भी पुलिस का रोल होता था। अब वो सर्वे करने गए तो उन्होंने कहा कि साहब जिनको पहले ये पॉलिसी बनाई गई कि जिनके कम टूट फूट हुई है घरों में उनको कुछ कम पैसा दिया जाएगा, उस समय शायद 3,000 ही ऐसा कुछ था, और जिनमें ज्यादा मेजर क्रैक्स है उनको 5,000 दिया जाएगा। वो सर्वे हुआ, वो आए और दूसरे दिन पैसा बटा, तो फिर लोगों में रोष उत्पन्न हो गया कि साहब ये हमारा तो मेजर क्रैक था, जो सर्वे टीम आई थी इसने जो है वो माइनर बता दिया, हमको तो 5,000 चाहिए। उसको लेके चकाजाम हो गए, पानी को लेके चकाजाम चल रहे थे। फिर ये हुआ कि साहब वो सबको फिर पॉलिसी चेंज हुई, उन्होंने कहा सबको अब एक जैसा पैसा बांटा जाएगा, चाहे मेजर क्रैक हो चाहे माइनर क्रैक हो। फिर राहत राशि बटना शुरू हुई, और आपको उस समय ये सब कुछ जनधन योजना के तहत इतने सारे कोई खाते वाते खुले नहीं थे, तो मैनुअली जो है वो पार्टियां जाती थी पुलिस की, जिस तरह से अपन लोग बूथ वाइज चुनाव में पार्टी भेजते थे, हम रोज पार्टी भेजते थे, तो वो किट बॉक्स में जाते थे पैसे भर भर के। फिर बाद में उतने ज्यादा लोग निकलते गए, सर्वे होता गया, ज्यादा ज्यादा लोगों को पैसों की आवश्यकता पड़ने लगी, तो बोरियों में भर भर के नोट जाते थे, और उसमें किसी में एक सिपाही जा रहा है, किसी में एक होमगार्ड का सैनिक है, और एक साथ में पटवारी है या एक टीचर है, और इस तरह से करके वो पैसे वहां पर बांटने के लिए जाते थे। तो वो भी एक अपने आप में बड़ा काम था कि किसी तरह से उसकी इतना सारा पैसा रखा हुआ है बोरी में भर के, एक जवान है साथ में और वो बांट रहा है। तो ये हुआ, फिर जब ये राहत राशि बटने लगी तो फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया, उन्होंने कहा साहब हम तो एक घर में रहते हैं लेकिन ये मेरे छोटे भाई का रहता हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, तो आपने राहत राशि मेरे बड़े भाई को दे दी, मुझे तो मिली नहीं। उस पे से फिर एजिटेशन शुरू कर दिया, और साइमल्टेनियसली जो ये चल रहा है आपका पानी को लेके चकाजाम वो चल ही रहा है। फिर से पॉलिसी चेंज हुई, तो उन्होंने कहा साहब अब जितने घर में चूल्हे हैं सबको राहत राशि बांटी जाएगी। एक एक घर में कई बार लोग दो दो चूल्हे रखते हैं, एक एक घर में तीन तीन चार चार जगह लग गए, उनने कहा हम चार लोग रहते हैं अलग अलग, भले ही साथ एक साथ रहते थे, तो वो उसको लेके काफी पैसा बांटने में और उसमें बड़ी दिक्कतें आई। अब इधर क्या हुआ कि रोज जो आपको इसके बाद निपटना पड़ता है वो होता है सबसे ज्यादा रूमर्स, रूमर बहुत फैलती है इस बीच में, रोज रूमर्स फैल जाती थी कि सब आज फिर भूकंप आने वाला है, जबकि भूकंप की भविष्यवाणी आज तक नहीं हो पाई है कि पहले से पता लग जाए कब आने वाला है। तो लोग फोन करते थे, कंट्रोल रूम फोन करते थे, थाने फोन करते थे, जिन अधिकारियों से जो परिचित थे उनको फोन कर करके पूछते थे कि साहब आज भूकंप आने वाला है क्या, हमको तो ऐसा पता लगा है। तो आप भले ही लोगों को बोलो नहीं है लेकिन उनकी मानसिकता बन गई कि साहब भूकंप आने वाला है। तो क्या होता था कि सारी जनता वो सड़कों पे आ गई रात में सोने के लिए, कोई पार्कों में सोने लगे, कोई गलियों में सोने लगे, कोई सड़कों में सोने लगे। तो वो एक प्रॉब्लम अलग शुरू हुई कि वो जो चोर उचक्के थे उन्होंने घर में जाके चोरियां करना शुरू कर दी, महिलाएं और लड़कियां बच्चियां सड़कों पे थी उनके साथ छेड़खानी शुरू हो गई। तो पुलिस का रोल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था कि वही आदमी इतने सारे चकाजाम झेलता था, इतनी जो रूटीन की ड्यूटियां होती थी वो करता था, फिर प्लस VIP आ जाते थे उनको देखना पड़ता था, और फिर रात में भी उतनी ही गश्त करना पड़ती थी उसको, तो राउंड ऑफ क्लॉक आदमी को ड्यूटी करना पड़ती थी, क्योंकि आप जितनी ज्यादा पूरी पब्लिक शहर की आपके बाहर आ गई है तो आपको उतनी ज्यादा गश्त बढ़ानी पड़ रही है। तो
काफी मुसीबतें उस समय पुलिस को झेलनी पड़ी। तो मेरा ये कहना था कि ये जितनी तरह की आपको बताने का मतलब यही था कि ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं इसमें हमारा काम आने वाले कई दिनों तक चलता है। हमने एक महीने तक राहत राशियां बढ़ती रही और एक महीने तक लोग चकाचाम करते रहे, बड़ी मुश्किल से जाके फिर वो सब कुछ ठीक हुआ और वो पटरी पाए। तो एक महीने डेढ़ महीने तक पुलिस को बहुत ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ी। उस समय काफी मध्य प्रदेश भर की फोर्स आ गई थी। होपफुली दोबारा ऐसी कोई स्थिति ना आए और आप लोगों को ये सब झेलना पड़े। ये तो हो गए हमारे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब मैं आपको बताऊं जो मैन मेड आपदाएं होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आपको याद होगा, सभी ने सुना होगा कि 84 में भोपाल में गैस रिसाव हुआ था, यूनियन कार्बाइड का है जानकारी किसी को? काफी लोग मारे गए थे, आज भी आज की तारीख में भी उनकी जनरेशन जो है वो उसको लेके सफर कर रही है। तो इसी को लेके मुझे एक मौका मिला था अमेरिका में एक ट्रेनिंग में जाने का। तो जब मैं वहां पहुंचा तो वहां के चार्ल्स टाउन जगह है, वहां पर ट्रेनिंग सेंटर था। जब हम गए तो वो जिस तरह से दिल्ली बंबई के बारे में लोग जानते हैं, आप जानते हो कि न्यूयॉर्क कहाँ है, वाशिंगटन कहाँ है, वो सब भोपाल को लेके परिचित थे पूरे। जब इंट्रोडक्शन हुआ, हमने बताया कि साहब हम भोपाल से हैं, तो मैं बिल्कुल बड़ा उनका एक अट्रैक्शन था सेंट्रली के ये भोपाल से आदमी है। और उन्होंने 85 में फिर अपनी इसकी पूरी प्लानिंग की है, पूरा एक्ट बनाया, SOP तैयार की, वो सब 85 की थी। तो उसमें जब पूछा तो उन्होंने बताया कि साहब ये जब आपके यहाँ इंडिया में ये सब हुआ था यूनियन कार्बाइड का, उसके बाद ही हम लोगों ने ये जो अपनी पॉलिसी निर्धारित की है। फिर मौका मिला तो उनके हमने वहाँ पे ट्रेनिंग भी ली और जो उनके फायर स्टेशन हैं उनको भी विजिट किया। उनके जो फायर स्टेशन से उनको देखा मैंने तो वो काफ़ी वेल इक्विप्ड है। मैंने जैसे हमारे यहाँ है फायर फाइटर है तो ये माना जाता है कि वो केवल आग बुझाने के लिए काम जानता है, या एक ऊंची सीढ़ी कर देगा तो कोई ऊपर है छत पे उसको रेस्क्यू करके ले आएगा। उनके जो व्हीकल हैं उनको जब हमने देखा तो उसमें सारी सुविधाएं हैं कि अगर आपको बाढ़ आती है तो भी वो मदद कर सकते हैं, किसी तरह की फायर होती है तो भी मदद कर सकते हैं, किसी तरह की गैस रिसाव की स्थिति बनती है तो भी वो मदद कर सकते हैं। उनके पास उस तरह के पूरे इक्विपमेंट्स हैं। और आपको शायद जानकारी होगी, ये सुखद आश्चर्य होगा कि 70% लोग वहाँ पे वॉलेंटियर्स हैं जो इसमें काम करते हैं और उनकी ड्यूटी बिल्कुल फिक्स है, 8 घंटे, मतलब 8 घंटे। और उसको बड़ा बहुत रेस्पेक्ट से देखा जाता है उस जॉब को और वेरी हाईली पेड, जितने भी वहाँ के इसमें काम करते हैं फायर फाइटर्स वो बड़े रेस्पेक्टिव जॉब है और बड़े हाईली पेड होते हैं। तो अब उन्होंने कहा जब गैस रिसाव होता है, हमारे यहाँ की स्थिति वही है कि आज भी यूनियन कार्बाइड का वो कचरा जो है वो वैसा ही भोपाल में अभी भी पड़ा हुआ है, सिर्फ 1-2-8 की वहाँ गार्ड लगी हुई है और उसको अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए हम लोग, अभी भी रखा हुआ है। आज भी अगर कोई इस तरह की गैस रिसाव की घटना हो जाए तो हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। मैंने देखा वहाँ उन्होंने हमको भी प्रैक्टिस कराई थी, उनके पास 3 प्रकार के सूट्स थे, ए लेवल बी लेवल और सी लेवल के। ए लेवल होता था वो बिल्कुल सिंपल होता था, उसमें आपका चेहरा खुला हुआ रहता था और आपको सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती थी। बी लेवल का जो सूट होता था उसमें आपका चेहरा तो ढका रहता था और सिलेंडर पीछे लगा दिया जाता था 0.5 किलो का, और उस सिलेंडर में जो सिंपली मैं आपको बताऊं कि कोई ऑक्सीजन नहीं होती है, ये जो हवा होती है हमारी वही भरी हुई होती है उसमें। तो उसमें ये है कि आप सांस बाहर की तरफ छोड़ सकते हो, इतनी डेंजरस अगर कोई इस तरह का कोई रिसाव हो रहा है तो उसमें वो बी लेवल का सूट पहनते हैं। एक तीसरा होता है सी लेवल का, वो पूरा कंप्लीट बंद होता है, उसमें जो सिलेंडर होता है वो भी आपके पीछे लगा रहता है और वो सूट के अंदर होता है, माने आप जो सांस छोड़ते हैं वो भी सारी सांस आपके सूट में ही रह जाती है, वो बाहर नहीं निकल सकती, माने इतने वो जैसे अब हमारे यूनियन कार्बाइड में जो गैस रिसाव हुआ था उसमें अगर है तो जरा सा भी छेद है और आपने सांस खींची है या छोड़ी है वो बाहर चली गई तो आप भी इफेक्टेड हो सकते हो। तो उस तरह का सूट रहता है, उसमें आप सांस भी भारी सूट के अंदर ही छोड़ोगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा वो जो सिलेंडर होता है ज्यादा भारी आप रख नहीं सकते क्योंकि आपको उसको लेके ऑपरेशन करना होता है, तो 0.5 घंटे का लगभग उसमें ऑक्सीजन वो हवा जो है वो होती है।
अब उसी को लेके आपको अंदर ऑपरेशन करना है। अब हो सकता है कि आप आधा घंटे से ज्यादा समय लग जाए आपको अंदर जाके ऑपरेशन करने में। तो उसमें ये कहा जाता था कि हम लोगों को प्रैक्टिस कराई जाती थी कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा कम से कम सांस लो आप और उसको ज्यादा से ज्यादा चलाओ। मैंने उसको आप जो 30 मिनट है तो उसको 40 मिनट 45 मिनट तक आप उसमें जो हवा है उसको रखो, खत्म मत करो, ताकि आप ज्यादा देर ऑपरेशन कर सको अंदर जाके। और वो उनके पास सारे साधन होते हैं किस तरह से उसको, जो सबसे पहला काम होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उनको रेस्क्यू करना और जो उसके सोर्स हैं उसको बंद करना। तो वो जो सारे सोर्स बंद करने के लिए भी सारे उनके इक्विपमेंट्स रहते हैं, आप जाओ उसको सोर्स को बंद करो रहो। तो इसको सूट को पहनने के लिए भी जब हम लोगों को प्रैक्टिस कराई गई थी तो इतना ईजी नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ आपको शायद लग रहा होगा। तो उसके पहले वो आपका पल्स रेट लेते हैं, आपका बीपी देखा जाता है, आपकी हार्ट बीट देखी जाती है। जब वो कोई स्वस्थ व्यक्ति ही उसको पहन सकता है। शुरू शुरू में जब हम लोग उसको पहनते थे तो केवल वैसे ही वॉक कराते थे आधे घंटे के लिए। आप उस सूट में आप बोलोगे तो आवाज आपकी बाहर नहीं जा सकती। तो वो इशारा कर दिया बनाए हुए थे कि साहब अगर आपको किसी को पहनने में दिक्कत आ रही है तो आप केवल ऐसा सिर पे हाथ रख देना। तो एक साथी हमारे साथ में रहता था और उनके आदमी रहते तो वो सूट को खोल देंगे। मैंने आप उसको बहुत देर तक ऑपरेशन नहीं कर सकते। मेरे साथ और भी लोग थे, कई आईपीएस अफसर थे उसमें ट्रेनिंग में। तो बाद में जब उसको लेके और फिर हमको मॉक ड्रिल कराई जाती थी तो लोगों की ये कोशिश होती थी कि साहब ये वाला सी लेवल का सूट का जो पार्ट है वो हमको ना दिया जाए। मतलब इतना टफ होता है उसको पहन के और फिर जब वो ऑपरेशन करना है तो वो इट्स रियली बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरा, उसी में जो उनका व्हीकल होता है उसी में पूरी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी रहती है। मैंने उसी तरह का वहाँ शॉवर लगा रहता है, फटाफट पोर्टेबल होता है, निकाला आपने कोई ऑपरेशन किया आप गए हो तो वो शॉवर से आपको पूरा जो है वो सैनिटाइज कर दिया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे रहती है। तो ये सब एक्सपीरियंस थे जो मैंने आपको शेयर किए और आपको बताए। तो मेरा ये कुल मिला के मतलब था कि ये इसको एक ऐसा पार्ट है जिसको हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए और चूंकि हमारा वो कभी भी काम पड़ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसको लेके सिंसियर रहेंगे और आने वाले सेशंस में फिर और आपको जो भी विशेषज्ञ हैं और अच्छे से आपदा प्रबंधन के बारे में बताएंगे। अगर इसको लेके आपकी कोई क्योरी हो तो आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं। भारत के नागरिकों को जागरूक करें, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें क्या करना है। हमारी छोटी सी लापरवाही एक अग्नि दुर्घटना का कारण बनती है, उससे हमें कैसे बचना है, क्या सावधानियां हैं। हमें मिलजुल कर हमारे देश की प्रॉपर्टी को, हमें मिलजुल कर हमारे देश में लोगों की जान बचाना है। आज हम यही टॉपिक को हम कवर करेंगे। और सबसे मेरे खुशी की बात यह है कि मैं पचमढ़ी में दो बार मैं अपने प्रोग्राम वहां पे हमारे जो जवान है डिस्ट्रिक्ट के ट्रेनिंग के अंदर आए, उन लोगों को ट्रेनिंग दी। जैसा सर ने इंट्रोडक्शन दिया, हमें काम करना है, हमें तारीफों के मोहताज हम नहीं है। हमारा उद्देश्य जैसे पुलिस का देशभक्ति जनसेवा काम है, पुलिस यानी पुलिस टीम वर्क, हम टीम वर्क में काम करते हैं। ऐसे फायर है हमारा, हम टीम वर्क में काम करते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे देश के नागरिकों को इम्पोर्टेंट नंबर हमारे परिवार में। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, जो भी हम सीखें पहले अपने जीवन में उतारना है, फिर अपने परिवार को बताना है, फिर अपने मोहल्ले को, फिर अपने शहर को, फिर अपने जिले को, फिर अपने प्रदेश को। नियत और सोच राष्ट्रीय लेवल पे हो तब हम थोड़ा सा सक्सेस होंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है, ट्रेनिंग हो रही थी तो हमने कर ली तो बैठ गए तो चले गए तो सर्टिफिकेट मिल गया। नहीं, हम देश के आज देखिए लॉकडाउन में इस देश ने देखा अपनी आंखों से, पैरामेडिकल ग्राउंड में थे, फील्ड में थे, पुलिस हर चौराहे हर गली हर मोहल्ले में थी, फायर ब्रिगेड अपनी ड्यूटी पे थे। ये हमारा जो सफाई वाले हमारे ऑनलाइन थे, ड्यूटी पे थे, पूरे देश ने देखा कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है।
अगर यही हमारे पुलिस के ऑफिसर और जवान मिलजुल के हम काम करें, कहीं आग लग जाए और आग लगते ही हम उसको बुझाने का प्रयास करें, मैं कहता हूं अगर एक फायर वाला काम हम करेंगे तो आप देखेंगे कि हम और आप को वीडियो बनाने वाला, फेसबुक के ऊपर अपलोड करने वाला एक पुलिस के ऑफिसर, एक जवान का अगर एक शॉट भी ले लिया और फेसबुक पर डाउन कर दिया, उसको लोड करने का देखेंगे 1,00,000 से एक भी कम लाइक नहीं आएंगे। क्योंकि लोगों को भगवान से पहले हमें मदद के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है, ऐसी हमारी सोच है, कल्पना है। और अगर वही पुलिस वाला ऑफिसर जवान अगर किसी की मदद के लिए आगे आ जाए तो वो भगवान के रूप में काम करता है। जब उसकी मदद से भाव होता है तब आदमी भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड को याद करता है। ऐसे डॉक्टर, डॉक्टर साहब आप बचा लो, जब डॉक्टर बचा के कोशिश करता है, जब एंड होता है उसको पता चल जाता है कि अब इसकी लाइफ नहीं है, फिर वो कहता है कि आप ऊपर वाले से आप दुआ करो। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड से पहले हमें आपको आदमी याद करता है और हमारी मदद की अपेक्षा करता है। एक पुलिस वाला अगर कहीं पहुंच जाए तो हम देखते हैं कि सारे लोगों में एक पावर आ जाती है, अब पुलिस आ गई अब ये काम खत्म हो जाएगा। ऐसे अगर यही पुलिस वाला जवान और ऑफिसर कहीं आग लगती है, धुआं निकलता है, चिंगारी निकलती है, कोई घटना घटती है और अगर वो यूनिफॉर्म में जाके वो काम करता है तो आप देखिए हर आदमी वीडियो बनाता है, हर आदमी फोकस करता है, फोटो खींचता है और उसको अपलोड करता है कि हमारे देश के सिपाही ने, जाबाज ने मदद करी, देखिए। और फिर लाखों लाइक मिलते हैं। हाल ही में कोविड के अंदर हमारे भोपाल के अंदर एक चलती फैन के अंदर दूध पहुंचाने के लिए जवान ने मदद करी, आज पूरे इंडिया ने उसको सराहा, दिल्ली तक उसकी आवाज गूंजी, रेलवे मिनिस्टर ने उसको सम्मान दिया। हम सब सम्मान के काम करने वाले लोग हैं। तो यहां से शुरू करता हूं, ये बिजली का बोर्ड है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिजली की आग, कभी भी आप दुर्घटना होती है आप टीवी में देखें, न्यूज देखें, पेपर पढ़ें तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कभी अपने आप नहीं होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट मुख्य कारण होते हैं लूज कनेक्शन, प्रॉपर टैपिंग नहीं, प्रॉपर वायरिंग नहीं, कटे पिटे वायर और ओवरलोडिंग, ये मुख्य कारण। अभी कैसे होते हैं वो देखिए। अभी हमने ये टू पिन लगाया, ये टू पिन लगाया और इसका एक वायर निकल गया ऐसे। अब जब ये एक वायर निकल गया तो हमारी एक आदत है शॉर्टकट, हमने इसको निकाला और निकालने के बाद दांत से, ये हमारी इंडियन टेक्नोलॉजी है, निकाला, गोल घुमाया और इसको हमने, ये देखिए ये काम चालू। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? कभी नहीं। अब ज्यादा समझदारी दिखाई, एक माचिस की तीली ली और इसमें फंसा दी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कभी भी हमारे घर में, परिवार में, ऑफिस में ऐसा आप देखें तो उनको रोकें, टोकें, मना करें। आज हमने रोकना भी मना किया, टोकना भी मना करना बंद कर दिया, इसीलिए दुर्घटनाएं घटनाएं हो रही हैं। समाज को हम एक नई दिशा दें, भाई साहब ये काम नहीं करो, भाई साहब ये गलत है। इसके बाद अब अगर ये वायर हिलता है, स्पार्किंग होगी, चिंगारी निकलेगी, ये वायर है जल जाएगा, यहाँ से आग लग जाएगी। ये वायर जब जलेगा, गिरेगा, नीचे टेबल पर कपड़ा है, कारपेट है, प्लास्टिक, पन्नी, पुट्टा, कागज, सूखी घास, पत्ते, आग लग जाएगी। अभी मान लीजिए ये हमारे पास मोम है, मोमबत्ती, इसको हम जलाएंगे, ऐसे करेंगे तो इसका मोम गिरेगा, गर्म गिरेगा लेकिन जलेगा नहीं। ये प्लास्टिक हमारा वायर जो है जलेगा, जमीन में गिरेगा, जहां पर कोई आग होगी वहां पर लग जाएगी, प्लास्टिक, पन्नी, पुट्टा, कागज, सूखे पत्ते, घास, पेपर में आग लग जाएगी।
ये जो प्लास्टिक है, ये वायर है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये जलेगा, गिरेगा और दुर्घटना घटेगी। तो मेरा निवेदन है, अब इसमें एक चीज और हमारी, अभी हमें दो वायरों को ज्वाइन करना है, हमने वही छीला, दूसरे को भी छीला, अभी इन वायर को हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने में हम लोग क्या करते हैं, ये सेलो टेप है, ये कई कलर के आते हैं, काला, पीला, नीला, लाल। अभी ये टेप आपके पास आमतौर पे घरों में नहीं मिलेगा। चार चीजें हमारे पास होना चाहिए घर में, सेलो टेप, टेस्टर, एक 3 पिन 2 पिन का सेट और एक बर्नौल। अब बर्नौल को WHO ने डिक्लेयर कर दिया है कि ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर ऑफ इंडिया, जैसे ही हाथ जले आपका ठंडा पानी डाल दें, हाथ जल गया एक मग लें, गिलास लें, उसके अंदर हाथ डाल दें, जैसे आप बाहर निकालेंगे जलन पड़ने लगेगी। ठंडा पानी का आप इस्तेमाल करें, पानी डालें, ये हुआ प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार देना हर भारत के नागरिक को आना चाहिए, चाहे वो रेड क्रॉस से सीखें, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर सीखें, या ट्रेनिंगों के माध्यम से सीखें, या यूट्यूब पे देखें, लेकिन आना चाहिए। अभी दो वायरों को हमें जोड़ना है, हम लोग क्या करते हैं, सेलो टेप लिया, आमतौर पर घर में मिलता नहीं है तो हम कहते हैं जाओ शर्मा जी से, पड़ोस से, गुप्ता जी से लेके आ जाओ, यार कहना 2 मिनट में देते हैं। ये टेप घर में होना चाहिए, कोई भी वायर में ज्वाइन करें टेप जरूर लगाएं। अब टेप रोल आया, अब हमने इसको खोलना शुरू करा, अब जैसे हमने खोलना शुरू करा 1-2 मिनट हम इसको घुमाते रहेंगे, नहीं निकलेगा। फिर हम कहेंगे बेटा चिंटू मैंने कल ही नाखून काटे हैं, आप देखो। फिर वो हमारा बेटा देखेगा, 2-1 मिनट वो टाइम वेस्ट कर देगा, फिर 2 मिनट के बाद वो अपनी मम्मी को दे देगा, मम्मी मेरे नाखून भी छोटे हैं। यानी हमने टेप रोल निकालने में, खोलने में 5 मिनट अपने वेस्ट कर दिए। आम लोगों से निवेदन है, छोटी बात है, आफ्टर यूज खोल के हम रखें। और देखिए ये टेप है, ये मैं आंखें बंद करता हूं और ये टेप को मैं खोल लूंगा, ये खुल गया। क्यों, आफ्टर यूज मैंने इसको हल्का सा फोल्ड करके छोड़ दिया ऐसे। ये कोई जादू है? नहीं, बल्कि छोटी सी बात, जब भी आप टेप को काट दें तो कैंची लें, आपको टेप पहले क्या करना है, चिपकाना है, कैसे चिपकाना है वो देख लें। हम लोग इन जर्नल क्या करते हैं, टेप लिया, टैप रोल लेने के बाद एक राउंड, दूसरा राउंड के बाद हमारा बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। टेप ज्यादा नहीं लपेटना है क्योंकि बहुत महंगा आता है, सोने से महंगा है, और ये पासपोर्ट पे इश्यू होता है, मार्केट में ऐसे नहीं मिलेगा आपको, बहुत महंगा है। तो ज्यादा अगर आपने टेप इस पर लपेट दिया तो आपका बजट गड़बड़ा जाएगा महीने का, भले इससे चिपक के कोई आदमी मर जाए वो मंजूर है, लेकिन टैप ज्यादा नहीं लपेटेंगे। क्यों, एक नेचर बना दिया फॉर्मेलिटी के तौर पर। अब यही टेप लगाया, एक राउंड लिया, लेने के बाद इसको ऐसे तोड़ दिया, इसको तोड़ना नहीं है, इसको बकायदा आपको क्या करना है, कैंची से काटना है। टैप को क्या करना है, कैंची से काट के और इसको ऐसे चिपकाना है कि कहीं से ये खुला ना रहे, और इतना ओवरलैप करना है। अभी क्या होता है, जरा सा हमने टेप लपेटा, साइड में से वायर निकला और कॉपर का हमने हाथ लगाया, हमने सोचा कि टेप तो लगाए, करंट लग गया, जोर का झटका धीरे लगे, धीरे का झटका जोर से लगे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अभी 3-4 साल पहले की बात है, गुना हमारे मध्य प्रदेश में, एक व्यक्ति ने ऐसी मोटर चालू करी, ये चालू करी, चालू करने के बाद हमारा इंडियन कल्चर क्या है, हम चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मोटर है, हमने ये चालू करी,
अब हम करंट चेक करते हैं, क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको बहुत शौक है करंट चेक करने का, आपके पास क्या होना चाहिए? टेस्टर। टेस्टर लें, चेक करें। उस व्यक्ति ने मोटर चालू करी, हाथ लगाया, करंट लग गया, चिपक गया। दूसरा व्यक्ति समझदार होना चाहिए, मदद करने में अकल की जरूरत होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने हाथ पकड़ के खींचा, उसका शरीर का कोई अंग को पकड़ के खींचा, वो भी चिपक गया। तीसरे व्यक्ति ने देखा, उसने भी उसे पकड़ा, तीन लोग चिपक के उनकी डेथ हो गई। उसी शहर के अंदर तीन अर्थियां निकली, पूरे शहर में कोहराम मातम मच गया। मैं बताता हूं भारत के नागरिकों को, मैं अपने भाइयों को बताता हूं, कभी भी बिजली का कोई व्यक्ति चिपक जाए, लकड़ी से, कपड़े से, ऐसी चीज से आप अटैक करें, अगर ये आदमी चिपक गया, ऐसे डोरी डाल के खींच दें। कभी भी डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना, किसी भी मेटेलिक चीज से उसको छूना नहीं। बेड कंडक्टर, कपड़ा, प्लास्टिक, रस्सी, साड़ी, टॉवेल, शर्ट, पैंट, कुछ भी वैसा फंसा के उसको खींच लें, लेकिन मेटेलिक चीज से टच नहीं करना, नुकसान हो जाएगा, दुर्घटना घट जाएगी। हर चीज को हम करंट को चेक करते हैं। ये हमारा चार्जर, ये हमने चार्जर लगाया, चार्जर लगाने के बाद हमने चालू करा। अब चालू करने के बाद आप देखिए हम लोग क्या करते हैं। ये हमारा मोबाइल हमने चार्ज करा, अभी हम देखेंगे कि हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, तो हम फिर पिन बाहर निकालेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर भी नहीं चार्ज हो रहा, तो अब हम इसका क्या करते हैं, इस पिन का करंट चेक करते हैं। कैसे करते हैं, ये तरीका है क्या? कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी समझदारी है? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक चीज और बताता हूं आपको, ये हमारा पेंसिल सेल है एवरेडी का, यह इसमें लगता है। अभी पेंसिल सेल घड़ी में लगा है, टॉर्च में लगा है, वहां पर ये खराब हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। हम लोग इसको बाहर निकालते हैं और ऐसे रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद फिर इसका करंट चेक करते हैं। क्या ये तरीका है? आप नया सेल लाइए, पैकिंग खोलिए, जुबान से लगाइए, आपको करंट नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा ही कोई तरीका ही नहीं है करंट चेक करने का। जुबान से क्या करना है? अगर आपको करंट चेक करना है, एक छोटा सा वायर लें, यहां से छीलें, दूसरे पॉइंट को छीलें, एक पॉजिटिव में लगाएं, एक नेगेटिव में लगाएं, इनको ज्वाइन करने के बाद अब जुबान लगाओ, तो आपको पता चलेगा कि इतने से सेल में कितनी पावर होती है। एक घड़ी चलाता है, टॉर्च चलाता है, हमारे इक्विपमेंट चलाता है, ये डीसी करंट है। अब ऐसी चीज हम क्यों करें? अब ये आपने नकल करी, हमारा बच्चा मासूम है, छोटा है, हर चीज मुंह में लेता है, इसमें एसिड होता है, केमिकल होते हैं, कैथोड रे उसके अंदर होती है छोटी सी। एसिड अगर हमारा बच्चा मुंह में लेगा, चूसेगा, तो आप सोचिए दुर्घटना घटी कि नहीं? बच्चा नकल करता है, उस नकल करने में उसने मुंह में लिया और इसको चूसा टॉफी की तरह, उसको नहीं मालूम मासूम बच्चे को कि ये क्या है। बच्चों के सामने कभी कोई चीज छेड़ना नहीं। ये बिजली का तार डायरेक्ट हमने लगाया, लगाने के बाद हमने काम शुरू कर लिया। अब ये काम चालू करके हम यहां से बंद करके चले गए। हमारा कोई परिवार का आया, और जैसे उसने यूं हाथ रखा लाइट खोलने के लिए, तो ये करंट चालू है, दुर्घटना घट जाएगी। ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए अगर आप जागरूक हैं, निश्चित ही हमारे समाज में दुर्घटनाएं रुकेंगी। उन दुर्घटनाओं को रोकने में हम और आप सहायक सिद्ध होंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। आप समझदार व्यक्ति हैं, समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिम्मेदार देशभक्ति और जनसेवा आपका कर्तव्य काम है, आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी बात को मान सम्मान मिलेगा।
आप बोलिए नहीं तो आप गलत है, रोकिए। इसके बाद एक और हमारे दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा कौन सी दुर्घटना होती है, एलपीजी की। एलपीजी ये सिलेंडर रखा है हमारा, ये डेमो वाला सिलेंडर है। इन दुर्घटनाओं में पूरी जिंदगी याद रखना, कोई भी काम करें, हम तो कहते हैं लाइन ऑर्डर भी करें तो उसमें सेफ्टी फर्स्ट, पूरी जिंदगी में। अपनी अगर बीवी से भी बात करें तो सेफ्टी फर्स्ट, बच्चे से भी बात करें सेफ्टी फर्स्ट, अपने ऑफिसर से बात करें सेफ्टी फर्स्ट, हमारे मुंह से कोई अपशब्द ना निकले। सम्मान पूर्वक अगर जो अधिकारी है, वो अधिकारी आपने भी बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है, उसके अंदर कुछ था तभी वो बना है। आपका सम्मान, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, सेफ्टी फर्स्ट, इसका ध्यान देना है। आप इन चीजों पे आप ध्यान देंगे, निश्चित ही समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। मैं भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट के पास ही हूं, अभी एक फ्लाइट उतरी है, उसकी आवाज आप लोगों ने सुनी होगी। इन साइनेजेस का बहुत ध्यान रखना है, ये साइनेजेस हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। अभी देखिए आज समाज में सार्वजनिक स्थल पर बीड़ी सिगरेट, अभी तो आपका थूकना, पान गुटखा खाना भी कानूनी अपराध है। हम भोपाल में बिना मास्क वालों को 100 रुपए फाइन कर रहे हैं, थूकने वालों पर 1000 रुपए फाइन कर रहे हैं। अगर हम डांटेंगे एक आदमी सुधरेगा, 50 आदमी सुनने वाले अलर्ट होंगे, ध्यान रखें। इसके बाद हमेशा ये ध्यान रखें, किसी भी मॉल में, हाई राइज बिल्डिंग में जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे ऐसे साइनेजेस होते हैं। फायर एग्जिट, ये फायर का, फर्स्ट एड का ये आपको मिलेगा, ये होना चाहिए। ये व्यवस्थाएं हमारे यहाँ सारी होती हैं, लेकिन जहाँ फर्स्ट एड लिखा हुआ है वहां डब्बा नहीं मिलेगा, डब्बा मिलेगा तो डब्बा खाली मिलेगा, इनका विशेष ध्यान दें। इमरजेंसी एग्जिट, फायर एग्जिट, आपातकालीन द्वार, जहां भी लगे हो उनका विशेष ध्यान देना है, और उन्हीं ध्यान के साथ हमें बाहर निकलना है। भूकंप आ गया, मैन मेड डिजास्टर हो गया, फायर हो गई, साइनेजेस देखिए, दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए देखते हुए, अगर नहीं है तो अपनी अकल का, बुद्धिमान का हिसाब करें और उसका इस्तेमाल करते हुए अपना काम करें। एलपीजी हमारी एक घर घरेलू चीज है, इम्पोर्टेंट चीज है। हमारे और आपके घरों में ये एलपीजी जब आती है तो इसमें कैप लगी होती है, इस कैप को हम लोग यूज करने से पहले निकालते हैं। कोई बताएगा ये कैप काहे के लिए होती है? इस कैप में एक ही छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे हमारी एक सेफ्टी पिन होती है, एक नोजिल होती है। उस नोजिल में क्या होता है, ये सिलेंडर की नोजिल है जो यहाँ लगी होती है, इसमें पिन होती है, एक पिन होती है, इस पिन को ये कैप जो सीधी रखती है। जब आप रेगुलेटर को पिन करती है, वो पिन इस नोजल में, एक पिन होती है सेफ्टी पिन, उसको प्रेस करती है, तब हमारा रेगुलेटर से एलपीजी निकल के सिलेंडर से आती है रेगुलेटर में, रेगुलेटर से पाइप में, फिर चूल्हे में। अब इस पिन को सीधा रखने के लिए इस कैप का उपयोग होता है। इस कैप के अंदर, इस नोजल में एक वाशर होता है, ये रबर का वाशर है, रबर का नरम हो जाता है, पिघल जाता है, कट जाता है तो हमारी गैस लीकेज होती है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ध्यान देना है।
कभी भी सिलेंडर ऑन करने के बाद एलपीजी लीकेज हो, आपको नाक से गंध आए, खिड़की दरवाजे खोल लें। कभी भी बिजली के बोर्ड को ऑन ऑफ नहीं करना। क्यों? यहां से स्पार्क निकलेगा, ऐसा स्पार्क, ये लाइटर है, चिंगारी निकलेगी, एलपीजी वातावरण में है, जैसे आपने ऑन करा ब्लास्ट हो जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लाइट जल रही है बंद नहीं करना, बंद है तो चालू नहीं करना, खिड़की दरवाजे खोल देना है, क्रॉस वेंटिलेशन होके निकल जाए। एलपीजी में एक बहुत तीखी गंध वाला कैन आज से 40 साल पहले हमारे घर में जब एलपीजी नहीं होती थी तो लकड़ी के चूल्हे, फिर उसके बाद गैस बत्ती वाला नूतन चूल्हा, स्टोव, और फिर वो बुरादे वाली सिगड़ी, नली वाला पानी की तरह, ये है पेट्रोल, गोल्डन कलर इसमें मिलाया जाता है। यही एलपीजी हमारे लाइटरों में होती है। अब अगर मान लीजिए हमारे यहां से गैस निकल रही है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी लेके इसको चेक करते हैं। ये कोई तरीका नहीं है चेक करने में। आप जाएंगे आपको आवाज आएगी, गैस की बदबू आएगी, पैच का टेस्टर लेंगे, इसकी पिन को देखेंगे और दबा देंगे, क्या होगा? अगर कचरा है तो हमारी पिन जो है सीधी हो जाएगी। अब मैं चाहूंगा कि इधर मुझे दिखाया जाए, पैच का टेस्टर लें, इसकी सेफ्टी पिन देखें जो अभी लीकेज हो रही है, और ऐसे इसको दबा दें, देखिए कितनी तेज आवाज आई, फुल प्रेशर से एलपीजी होती है इसमें। एक बार करें, दो बार करें, तीन बार करें, इससे क्या होगा, गैस लीकेज बंद। हमारा जो वॉशर है अगर वो कट गया तो कंपनी वाले को आप फोन करें, कंपनी वाला आएगा, 2 रुपए का वॉशर डाल के चले जाएगा, 2, 4, 5 रुपए, 10 रुपए आप दीजिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी और आप काम कर लेंगे। अभी हमारे घर में एलपीजी आ गई, सप्लाई हो गई। अब हमारे घर में माँ बहने खाना बना रही हैं, भाई खाना बना रही है, बीवी खाना बना रही है, गैस खत्म। गैस जैसे खत्म तो हम लोग क्या करते हैं लापरवाही, वो देखिए, इस सिलेंडर को ऐसे हिलाते हैं, ये कभी नहीं हिलाना। एक बार एलपीजी के गैस निकलना बंद यानी गैस खत्म। अब हमारा भ्रम है हिलाएंगे तो थोड़ी गैस निकलेगी, टेढ़ा करेंगे उल्टा करेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, गैस सिलेंडर बाहर निकाला, ऐसे जमीन में रखा, हाथ से या पैर से ऐसे हिलाते हैं, बिल्कुल नहीं करना है, कभी नहीं करना है। फिर थोड़ी सी गैस निकली, थोड़ा काम हुआ, गैस निकलना बंद, फिर हम सिलेंडर बाहर निकाल के इसको उल्टा कर दें। हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार एलपीजी में से गैस निकलना बंद, काम खत्म, सिलेंडर चेंज कर दीजिए। अब आप बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि साहब इसमें कोई एक स्विच बोर्ड होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, दिखना चाहिए कि खाली होने वाला है। ये प्रेशर गेज है हमारे सिलेंडर का, इसमें लगा हुआ है। अब ये बताइए अगर हम
भरा हुआ सिलेंडर उठाएंगे तो उसमें वेट दिखेगा, खाली सिलेंडर उठाएंगे तो हल्का दिखेगा, उसकी आवाज भी आपको दिखेगी कैसी। इतनी अकल तो हमारे अंदर होना चाहिए कि ये भरा है कि खाली है। 14.2 केजी का सिलेंडर होता है। हर सिलेंडर पे हमारे अंग्रेजी के चार अक्षर लिखे होते हैं, ए बी सी डी। ए मतलब ए के आगे अगर 19 लिखा है तो वो ईयर होता है 2019। अगर ए के आगे, बी के आगे, सी के आगे 22 लिखा है तो आप समझ जाइए कि ये जो सिलेंडर है हमारा ये 2022 में ठीक होगा। अब ए का मतलब लिख लीजिए आप, 3 महीने होते हैं। अगर ए 20 लिखा है तो ए का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। बी का मतलब होता है अप्रैल, मई, जून। सी का मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर। और डी का मतलब होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ध्यान रहे हमें हर सिलेंडर पे यहां लिखा होता है, यहां अंदर की तरफ। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कैमरा मोबाइल दिखाएं। ये देखिए इस पे लिखा है D20 लिखा है अंदर। 16 किलो 100 ग्राम का खाली सिलेंडर है एमपी। 14 किलो 200 ग्राम गैस होती है। लगभग 30-31 किलो का हमारा वेट होता है। हमें ध्यान देना है, हमेशा ध्यान देना है, कभी सिलेंडर को हिलाना डुलाना नहीं। अभी आप तो देखिए खाना बनाने वाले क्या करते हैं, गर्म पानी का भगोना लिया और सिलेंडर को उसमें रख दिया, ये कोई तरीका नहीं है। अभी बारिश है, सर्दी आएंगी, जब भी आप, ये इलीगल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी नहीं है। दो चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, नंबर वन रेगुलेटर, ये दोनों हमारे देश की तीन कंपनियां हैं, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपी भारत पेट्रोलियम और इंडियन बॉटलिंग प्लांट इंडियन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है, मार्केट में नहीं मिलेगा। मार्केट में आपको ये मिलेंगे डुप्लीकेट दिल्ली मैट, ये डुप्लीकेट जुगाड़ू, ये डुप्लीकेट, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इलीगल है ये। ये ऐसे छोटे सिलेंडरों पे रखते हैं। इसके बाद अगर हमारे एलपीजी के अंदर आग लग जाए, कैसे बुझाएंगे, कैसे क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। ये ग्रीन पाइप है, ये जो ग्रीन पाइप है पुराना टाइम का था। इस ग्रीन पाइप को अगर इसमें आग लग जाए हमें कैसे बुझाना है, कैसे ध्यान देना है, क्या करेंगे वो देखिए। अभी ये आना बंद हो गए मार्केट में, ये आ गया नया ऑरेंज कलर का, टेस्टेड है ये, चूहा काट नहीं सकता, सनलाइट से ये गलेगा नहीं, गर्म हो गए कटेगा नहीं, काटेंगे कटेगा नहीं, केमिकल से रिएक्शन होगा नहीं। अंदर स्टील का वायर है, एक 5 साल चलेगा। घर में बदल लें, इसमें क्लेम लगाएं, एक छोटा सा एक क्लेम आता है, ये इसमें लगाने के बाद रेगुलेटर की साइड, चूल्हे की साइड, इसको हम क्या करें,